हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिकाज किचन। आज मैं बना रही हूँ फेस्टिवल स्पेशल दही बड़े या दही भल्ले। ये बिल्कुल स्पंजी, अंदर से जालीदार बनेंगे और बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनेंगे, और ये कुरकुरे भी होंगे। इनके पकौड़े बहुत कुरकुरे बनकर तैयार होंगे और ये फुल के अपने साइज़ में डबल हो जाएंगे। तो दही भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ हाफ कप उड़द दाल लिया है। उड़द दाल को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करके 2 से 3 पानी यहीं धुल कर साफ़ कर लूँगी। मैंने यहाँ धुलते हुए नहीं दिखाया ताकि वीडियो लंबा होगा। 2 से 3 पानी मैं इसे पानी डालूँगी और धुल कर साफ़ कर लूँगी। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला और 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसे भिंगो कर छोड़ दूँगी। 4 घंटे हो गए हैं दाल को भिंगोए हुए और हमारा दाल फूल गया है। आपको साइज़ में भी फ़र्क दिख रहा होगा। जब मैं इसे हाथ से नाखूनों से इसे तोड़ रही हूँ तो ये बहुत आराम से टूट रहे हैं। दाल अच्छे से फूली है तो अच्छे से पीस कर भी तैयार होगी। ये ट्रिक है खास कि दाल को अच्छे से फुलाएं। इसके बाद मैंने दाल से सारा पानी स्टेन कर लिया, सारा पानी निकाल दिया। अब मैं एक मिक्सर जार लूँगी और उसमें अपने दाल को ट्रांसफ़र करूँगी। दाल को रुक रुक कर पल्स पे पीसेंगे और इसको बीच बीच में स्पैचुला से चला देंगे। अभी मैंने दाल को बिना पानी पीसे डाले पीसा है तो ये दरदरा है। अब इसको चम्मच से चला देने तो दाल नीचे बैठती है, नीचे से बारीक हो जाएगी और ऊपर वाला दरदरा रह जाएगा। तो इसे बीच बीच में चलाएं, थोड़ा सा पानी डाला 2 टेबल स्पून, और फिर चम्मच से इसको चलाने के बाद मैं एक बार इसे फिर से रुक रुक कर पीसूँगी। मुझे इसका एक स्मूथ बैटर बनाना है जो ना ही बिल्कुल बारीक हो और ना ही बिल्कुल दरदरा, हल्का दरदरा हो। और देखिए हमारा दाल पीस कर तैयार है। मैं आपको इसको टेक्सचर दिखाती हूँ। ये हल्का दरदरा है जिसका कि वीडियो में दिख भी रहा है, बिल्कुल बारीक नहीं। ऐसा पीसेगा दाल तो अंदर से जालीदार बिल्कुल सॉफ्ट आपका भल्ला बनकर तैयार होगा। और हमारा अब दाल पीस कर बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए हमारा दाल का टेक्सचर मैं आपको दिखा दिया। अब इस दाल को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूंगी और बाउल में पूरे दाल को ट्रांसफ़र करने के लिए मैं इसको 5 से 10 मिनट बहुत अच्छे से फेंटना है। आप इसे हाथ से या हैंड ब्लेडर से भी फेंट सकते हैं। हैंड ब्लेडर से फेंटने से बस ये होगा कि आपका समय बचेगा। जो मैं हाथ से 10 मिनट करूँगी वो आप 5 मिनट में कर लेंगे, लेकिन इसको फेंटना ज़रूर है और एक ही डायरेक्शन में फेंटे। इससे ये अच्छा फ्लफी बनेगा। और मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ कि फिट गया कैसे पहचानेंगे। देखिए अभी मैं हाथ से गिरा रही हूँ, गिर जा रहा है, लेकिन मैं इसे 5 मिनट और फेंटने के बाद इसे हाथ से गिरा रही हूँ, गिर नहीं रहा है। ये बैटर इतना हल्का हो गया, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा आपको कि मेरे हाथ से गिर नहीं रहा, मतलब ये अच्छा फिट कर तैयार है, ये बहुत हल्का हो गया। दूसरा ट्रिक है कि इसे एक बाउल में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें एक छोटा सा बॉल डालिए दाल की, और ये देखिए ये ऊपर तैर रहा है। मैं कितना भी हाथ से दबा रही हूँ, ये नीचे जाके बैठ नहीं रहा है बैटर, मतलब दाल फूल कर तैयार है। अच्छा फिटता है ना, तो जब हम इसे तेल में डालते हैं तो भी वो ऊपर तैरने लगता है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ मैं 1/2 टीस्पून काले मिर्च और 1 इंच अदरक को ग्रेटर से ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो जीरा और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल सकते हैं। अब मैं इसे भी उसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मिलाते हुए अच्छे से मिला लूँगी। तेल को गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने दाल में पहले नमक नहीं डाला था, अब जब मेरा तेल गर्म हो गया तब नमक डाला, नहीं तो दाल पानी छोड़ देता। तो नमक का इस्तेमाल पहले ना करें तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा, दाल पानी छोड़ देगा। अब मैं इसे बाउल के किनारे से उठाते हुए गोल शेप देते हुए रख रही हूँ। मैंने बाउल के किनारे पर इसे ऐसे देखे रगड़ रही हूँ और इसे डाल रही हूँ, तो इसका शेप बिल्कुल गोल आ रहा है। आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे भी गोल बना सकते हैं, बाउल में से गोल बना के डाल दें, ये थोड़ा सा बैटर अपने हाथ में बचाते हुए इसे छोड़े तेल में। और देखिए हमारा बड़ा तुरंत तेल में जाते ही ऊपर आ रहा है, वो नीचे बैठ नहीं रहा है, मतलब बहुत अच्छा फुला हुआ है। और आप इसे ऐसे छोड़ेंगे तो बिल्कुल गोल गोल बनेगा। और जब ये इतना हल्का होगा ना कि अपने आप घूम कर रोटेट हो जाता है, इसे हमें घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बाद आप इसे एक चम्मच से हल्का हल्का रोटेट करें, इनके ऊपर तेल के छींटे डालें। पहले ही चम्मच से ही करें, कलछी का इस्तेमाल ना करें। और देखिए इनका धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। और इन्हें मीडियम फ्लेम पे कुक करें, हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और लो फ्लेम पे अगर कुक किया तो ये बहुत ज़्यादा तेल सोख कर लेंगे। तो इन्हें मीडियम फ्लेम पे पहले तेल अच्छा गर्म करें, फिर इन्हें मीडियम फ्लेम करके कुक करें, और हमारे बड़े अच्छे गोल्डन क्रिस्पी होकर पककर तैयार हैं। इनका थोड़ा सा कलर लाएं, क्योंकि जब लाइट पानी में फूलेंगे ना, इनको पानी में जब हम भिगोएंगे तो इनका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है, तो इनको पहले कलर लाएं। अब देखिए मैं स्टफ़ करके आपको दिखाती हूँ दही बड़े। अगर स्टफ़ वाला बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ किशमिश डाल रही हूँ, बीच में रखा उसको, बैटर से कवर किया। आप किसी भी इसकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो उसकी स्टफिंग आप कर सकते हैं, या इसके अंदर आप मावा का छोटे छोटे बॉल्स बना लें उसकी भी स्टफिंग कर सकते हैं। स्टफ दही बड़े और अच्छे लगते हैं। और मैं इनको ऐसे फिर हाथों से गोल करके डाल दे रही हूँ। तो ये मैं अपना दूसरा बैच भी ऐसे तल कर तैयार कर ले रही हूँ, और ये मेरे बड़े तल कर तैयार हैं।
अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ केक कितने क्रिस्पी बने हैं। मैंने एक प्लेट में निकाला और इसको मैं देखिए गिरा रही हूँ, हाथ से छोड़ रही हूँ, आपको प्लेट में आवाज़ सुन के समझ में आ रहा है। मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये अंदर से बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार हुए हैं, देख जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूँगी, इनको एक घंटे के लिए गर्म पानी में डालकर भिगोकर छोड़ूंगी, जिससे ये अच्छे से अंदर से फूल जाएंगे। तो मैं इस पानी में कुछ फ्लेवर के लिए मसाले डाल रही हूँ, जैसे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हींग। इससे हींग के पानी में भिंगाने से हींग का फ्लेवर भी बड़े में आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है वो फ्लेवर, और बड़े फूलकर साइज में भी डबल होंगे। इसे मैं एक घंटे के लिए ऐसे ही भिगोकर छोड़ दूंगी, आधा घंटा से 45 मिनट तो ज़रूर छोड़े, अगर आप एक घंटा नहीं छोड़ सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है। मैंने यहाँ हाफ लीटर दही लिया है और मैं एक स्टेनर में छान लूँगी, ताकि दही में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो छन जाए। और देखिए मैंने इसे 10 मिनट रख दिया था और ये पानी निकल गया है। दही गाढ़ी दही का इस्तेमाल करें आप दही बड़े में, और दही बिल्कुल खट्टी ना हो, फ्रेश हो, ताज़ी दही हो। खट्टी होगी तो उसका दही बड़े का टेस्ट ख़राब हो जाता है, फिर खट्टा खट्टा अच्छा नहीं लगता दही। और मैंने इसे स्टेनर में ही इसे फेंट लिया और इसके नीचे बाउल रखी थी। देखिए हमारा कितना स्मूथ गाढ़ा दही हमको मिल गया। अब इसे मैं थोड़ा सा, दही बड़े का दही मीठा हो है तो 2 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ, ये चीनी का पाउडर है, और इसमें डालकर अच्छे से मिला लूँगी और दही को इसके बाद फ्रिज में रख देंगे, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। तो मैं इसमें मिला लिया और मैं इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ। देखिए हमारा दही का टेक्सचर मैं दिखा रही हूँ कैसा है आपको, और ये कितना गाढ़ा है, चम्मच पे कोट हो रहा है। उस दही को फ्रिज में रखा और इधर एक घंटे हो गए हैं, हमारा ये बड़ा फूलकर भी तैयार है। देखिए इसका साइज़ देखिए, ये पहले तला हुआ कितना छोटा था, अब ये साइज़ में डबल हो चुका है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो मैं इसको बीच बीच में ऐसे जब फुलाई थी तो चला भी दिया था। अब एक घंटे बाद मैं ऐसे दही बड़े को निकालूंगी अपने बड़ों को पानी से, और इसे हल्के हाथ से दबाएं। अगर आप तेज़ दबा देंगे ना तो ये बड़े टूट जाएंगे, तो बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इनके पानी को, एक्स्ट्रा पानी को निचोड़ दें। और आपको जैसा कि वीडियो में दिख रहा होगा मैं बहुत तेज़ नहीं दबा रही हूँ, नहीं तो बड़े टूट जाएंगे, मैंने पहले ही बताया। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ दही में, और दही में नमक डाल के इसको मिला लूँगी अच्छे से। पहले नमक ना डालना मतलब दही पानी छोड़ देगा। अब मैं इनकी प्लेटिंग कर रही हूँ, तो मैं 7 से 8 दही बड़े बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में लोग पकौड़े सूखे खाते हैं ड्राई ड्राई, तो वो दही बड़े मैं इतना बना रही हूँ। और अब मैंने इनके ऊपर दही कोट किया। अब मैं इन्हें फ्लेवर देने के लिए हरी चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे इसमें एक चटपटा टेस्ट आएगा। हरी चटनी के बाद मैं यहाँ इसमें इमली की चटनी डालूँगी। इमली की चटनी इसको एक मीठा खट्टा मीठा टेस्ट देगी, जो दही बड़े का स्वाद को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, बहुत अच्छा लगता है दही बड़ा। आप एक बार ऐसे बना के जरूर देखें। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस मसालों से बड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये भुने हुए जीरे का पाउडर है जो मैंने आपको दिखाया अभी। ये मसाले आप बनाकर तैयार करके भी इनको सब मिलाकर भी रख सकते हैं, और हमारा दही बड़ा बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स करें। ये भले कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आपको भले कट करके दिखा रही हूँ, देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं, और अंदर से भी आप इसे दही में पहले भी डुब कर रख सकते हैं, लेकिन आप इनके ऊपर ये सर्विस जब आपको देनी हो, किसी को सर्व करना हो, तो ही ये चटनियों और मसालों का स्प्रिंकल करें, पहले से स्प्रिंकल ना करें, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।